गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। वियतनाम के एक और एपिसोड से आप लोगों का स्वागत है। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ना, सिटी बैकपैकर्स हॉस्टल, तो इसमें मैं रुका था और आज ये मेरा जो दिन है ना, ये वियतनाम में आखिरी दिन होने वाला है। आज रात को मेरी यहाँ से फ़्लाइट है और आज वापस मैं चला जाऊँगा अपने घर इंडिया दिल्ली। तो आज मैं जा रहा हूँ ना, इनके साथ मैंने एक और टूर लिया है जिस पे मैं जा रहा हूँ मेकोंग डेल्टा। तो आई थिंक वो कोई रिवर का वो है डेल्टा, तो वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। वियतनाम के ट्रिप की पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे जाइए, सारी डिटेल अवेलेबल है, सारी वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लो। और ये नज़ारा देखो सुबह सुबह का, बड़ा मेन स्क्वायर है ये। रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले वाले पार्ट में, अच्छा लगता है इसको देख के ना रात में, पूरा ये स्क्रीन सब लाइटें जलती है, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। बस मैं आ चुका हूँ, बस वही है सेम जो कल थी और आज मैडम पीछे वाली सीट पे। There are four islands in this thing: tortoise, dragon, phoenix, unicorn. Today we visit Unicorn Island in Bantia Province, Coconut Islands. Okay. We start from here. We are here. Maitor Marina, Maitor Harbor, Maitor City. We don't take this boat, we take small boat, okay? We cross the river to Unicorn Island. When finish here, we take the motorboat back and get on the big boat, go back to the harbor to finish. Okay? Thank you. हम लोग आ पहुँचे हैं जी मेकोंग डेल्टा रिवर पे, ठीक है। इसकी जो टोटल विड्थ है ना, ये 3 किलोमीटर चौड़ी रिवर है यहाँ पे। और अभी जो हमारे गाइड साहब समझा रहे थे ना, वो समझा रहे थे कि हम कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, कैसे कैसे जाने वाले हैं और टूर ये कैसे होने वाला है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला क्रूज़ खड़ा है देखो, यहाँ पर पूरा वहाँ तक है। और ये एक दो लगभग 3 फ्लोर का बना है, ऊपर वाला पूरा नहीं बना है। हम जाएँगे छोटी वाली बोट से, ठीक है। तो जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो सब कुछ देखने को मिलेगा भैया, रिवर का टूर होने वाला है। अभी हम लोग एक आइलैंड पे आए हैं जो हमारे गाइड ने सुबह बताया था ना कि यूनिकॉर्न आइलैंड है। यहाँ पे ना 4 आइलैंड है जो कि 4 यहाँ के एनिमल्स के नाम पे है जिनको ये पवित्र मानते हैं। मतलब कि अब इंग्लिश में समझ लेना, ये जो सामने बोट्स आप लोग देख रहे हैं ना, इन बोट्स में लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं और ये यहीं पर कुछ अपना खाना पीना सब यहीं बनाते हैं, आज यहाँ कल कहीं और ऐसे करके रहते हैं। ये हमारी बोट थी। चलिए चलते हैं यूनिकॉर्न आइलैंड पे, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बी फार्म। कुछ नया देखने को मिल रहा है ना आज भी, धूप लग रही थी, कैप पहन ली भैया मैंने। Okay, this is the bee nest here. So if you want to try the honey or want to take a picture, you can do it. Okay? Want to try the honey, you'll give your finger and he let you try. Or you want to hold the bee nest, it's up to you. Okay? We try the honey, we don't try the bees. Okay? Yeah. We hum log aaye hain honey taste karne. Dekho ye yahan pe serve kar rahe hain aise. I think ye honey tea hame serve karne wale hain aur ye kuch yahan pe aur bhi rakha hai, ye pata nahi kya hai. हरियाणा चारों तरफ देखो बीज है, यहाँ पे बॉटल पे बैठी है, उसके अंदर भी है।
ये बड़ा रिस्क है यार। वहाँ पे ना उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे थे उसको होल्ड करके, पर हम लोग कहाँ रिस्क लेने वाले हैं यार। काट लिया तू इसको ना, ये लोग हनी टी बता रहे हैं, इसको टेस्ट करते हैं अभी कैसी है। और ये ना जिंजर जैम है, अदरक का बना हुआ है यार, अदरक वाला टेस्ट आ रहा है और थोड़ा मीठा मीठा है। ये देखो गाइस कुछ अलग चीज़ है, ये यहाँ पे स्नेक वाइन सर्व करते हैं ना, स्नेक है इसके अंदर, यहाँ पे भी है। Yeah, banana, no need fruit and snake. So different function. Yeah, function. We go to another village to eat some tropical fruits and listening music, traditional music. Okay, thank you. We are 10 people for the. हमारे गाइड हैं। आगे बैठते हैं अपन। You are. Okay. Gurmeet, come in. अभी हम लोग आ गए हैं रोइंग बोट ट्रिप के लिए। देखो इसमें चार लोग बैठ सकते हैं और दो ये रोवर्स होते हैं जो बोट चलाएंगे, और वैसे सबको बीच में बैठना होता है। ये चार बीच में फट्टे दिख रहे हैं ना, चार लोग बैठेंगे ऐसे, ये चारों इंडियन से एक ही साथ बैठ रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरा नंबर किसके साथ आएगा। अभी हमें रिवर तक लेके जाएंगे, यहाँ से ना रिवर का रास्ता है। सबसे आगे बैठ गया तुम्हारा भाई, भाई साहब देखो ये सब ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे ही आके आप लोग कर सकते हो इस तरह का ना। अभी देखना है कितनी दूर ये देखे जाते हैं यहाँ से। चलिए बाकी के शॉट्स आप लोग इंस्टा 360 वाले एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग आए हैं एक और जगह पे, एक और आइलैंड पे, इसको ये कहते हैं कोकोनट आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कोकोनट से बनता है। Are you a YouTuber? Yes, from India. Yeah, thank you. कोकोनट आइसक्रीम, कोकोनट कैंडी एंड मैनी थिंग्स फ्रॉम कोकोनट, आई विल शो यू। ये देखो जी, ये निकाल रहे हैं कोकोनट कुछ बनाने के लिए यहाँ से। ये देखो ये पीसा हुआ है यहाँ से मशीन में। This is very sharp. If you pull it out, suicide. Okay, suicide. I want a suicide, huh? You learn the way before you try, huh? Yeah.
province have the most coconut in Vietnam. That's why we name it Coconut Islands or Coconut Kingdom. 73,000 hectares the land for coconut plantation. We have many kind of coconut: green skin, red skin, yellow skin, pandan coconut, different quality, different price. Red skin we call fire coconut, green skin we call steam coconut, or the yellow skin we call tam wang coconut. ये यहाँ पे ना गाइस कैंडीज बन रही है कोकोनट की, और हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि लगभग 100 साल से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है ऐसा ये कैंडी बनाने का। कोकोनट से ही सब कुछ होता है, देखो यहाँ पे कोकोनट कैंडीज बन रही है। कैन आई ट्राई वन? वो जो बन रही है ना वहाँ पे, ये ट्राई कर रहा हूँ मैं। अच्छी है, वो थोड़ी फीकी है, शुगर नहीं है इसमें, चॉकलेट वाली लग रही है, चॉकलेट मिक्स कोकोनट कैंडीज़। इधर तो हज़ारों में है, देखो ये सब कोकोनट, ये कोकोनट ऑयल मिल रहे हैं यहाँ पे, हेयर ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल, ये सोप है, कोकोनट की सोप है देखो, है ना, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ये देखो बहुत कुछ बना रहे हैं लोग। दिस इज लिप बम, कैन आई ट्राई दिस? यस। ये ऐसा जैसे चकली होती है ना गुड़ की, गुड़ पट्टी ऐसा लग रहा है कोकोनट का, क्रिस्पी है बहुत, बहुत टेस्टी भी है। और यहाँ पे ये उसके ट्री से और उसके शेल से बनाई हुई चीज़ें हैं कोकोनट की, ये देखो स्टिक्स हैं, चॉप स्टिक्स, छोटी बोट बनाई हुई है, बड़े कोकोनट होते हैं ना उनके शेल से ही बनाया हुआ है ये सब, ये देखो की चेन्स, ये तो पूरा शेल है देखो, कोकोनट का शेल है ये, देखो जी design showpiece. Yeah, Ganesha. Yeah, and black scorpion as well. Black scorpion. Oh, okay. It's a scorpion. Yeah. This makes it better for you to drink it now, eh? Can you take the snake out again? When you put these snakes, what is it, that water or some chemical or what you put that? No. The venom still inside. The chemical still inside. The venom, not chemical. Only the rice wine and the snake only. No so chemical. Really, how this thing has come out? This snake wine. Watery or whatever, this liquid. From where has this come? How, from where it has come? Sure, we just put a few of the rice wine for full like this. And we weigh a signal later and drink. So you put rice. Oh. Rice wine. Rice wine. Okay. Coconut ice cream liye maine yahan pe na, ye 10,000 dong ki. Matlab. Kitne ho gaye? 30 rupaye? Lagbhag. 30 rupaye, ठीक है, नेचुरल लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है, थोड़ा ठंडा खाने का मन था इसलिए ले ली। अभी फिर से एक बोट पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं लंच करने, तो पता नहीं कहाँ पे हमें रेस्टोरेंट पे लेके जाएंगे। ये छोटी बोट है, ये वाला पानी थोड़ा गहरा है, तो सामने से भी बोट आ रही है। रेस्टोरेंट में आ गए भाई साहब, एक ये भी एक आइलैंड पे बना हुआ है, यहाँ पे कुछ तालाब बना रखा भैया, पानी तो बहुत गंदा लग रहा है, ये रेस्टोरेंट है। वैसे तो मैंने वेजिटेरियन फूड के लिए बोला था, अभी देखते हैं वेजिटेरियन में मिलेगा क्या यहाँ पे। लंच बढ़िया था भाई साहब, मज़ा आ गया, भूख लगी थी काफ़ी, और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं ये ना, बाद में सूप दिया और फिर वाटरमेलन और क्या था, टोफू का बनाया हुआ कुछ था, समझ में नहीं आया मुझे क्या था, बट अच्छा था खाने में ना और टेस्ट भी ठीक था। तो वेजिटेरियंस अगर आप लोग लेते हैं ये पैकेज, तो आप लोगों को खाना मिल जाएगा वेज यहाँ पे ना। और भी लोग थे हमारे साथ, हम टोटल 5 लोग थे पूरे ग्रुप में जो वेजिटेरियन थे, बाकी लोग नॉन वेज वाले थे तो वो सब कुछ खा रहे थे वहाँ। अभी क्या है कि हमारे पास लगभग आधा घंटा है यहाँ पे पूरा ये फार्म घूमने के लिए,
तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स हैं, कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, ये देखो ये सो रहे हैं मुंह खोल के। They are original. I think they are not looking like original. No, they look all fake. Yeah. They're not moving. Yeah. Yes. ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ओरिजिनल है भाई साहब, ऐसे ही पड़े हैं बिल्कुल, सांस भी नहीं ले रहे, मुंह खोल खोल के ऐसे पड़े हैं। मैं देखो इधर क्या है, यहाँ दिखाते हैं देखो। अच्छा ये तो फिश है, पता नहीं कौन सी मछली है, मछलियाँ हैं इसके अंदर, और इसमें इसमें भी कोई मछलियाँ हैं। उधर स्नैक है, स्नैक दिखाते हैं। ओए ये भी है, कुछ नाम नहीं लिखा, ये कुछ कहते तो हैं इसको, क्या कहते हैं, चूहे जैसे दिखता है ये, जो इसके पीछे होते हैं ना ये कांटे होते हैं, ये अपने बचाव के लिए ऐसे छोड़ देता है। भाई सब सांप हैं बड़े बड़े, देखो अपने मुंह उठा के खड़े हैं दोनों। ये आज का डे टूर ख़त्म हो गया और बस अब इसके बाद यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट बाद जाना है वापस उसी जगह पे बोट के पास अपनी, और वहाँ से फिर चले जाएंगे बस में बैठ के हॉस्टल। ठीक है, रात को फ्लाइट है, फिर फ्लाइट लेके इंडिया वापस। अभी आप लोग ये रिवर जो देख रहे हैं ना, मेकोंग रिवर कहते हैं इसको, और ये निकलती है तिब्बत से, तिब्बत के ग्लेशियर से कहीं से निकलती है, और फिर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया होते हुए ये वियतनाम पहुंचती है, और वियतनाम इसका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये मिल जाती है यहाँ से साउथ चाइना सी में, ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये रिवर ख़त्म हो जाती है। तो उसी रिवर के आज हम लोग टूर पर आए थे, इसके डेल्टा टूर कहते हैं इसको, और इसका मैंने कुछ $25 पे किया था अपने हॉस्टल में ही, और बाकी भी लोग हैं जो मैंने इनसे पूछा है सबसे कि भाई सबको सेम ही चार्जेस हैं, तो आप लोग कहीं से भी अपना पैकेज बुक कराइए, यही रेट पड़ता है $25। इसमें लंच इंक्लूड था, वेज लंच और ट्रांसफ़र्स, एसी ट्रांसफ़र जो हॉस्टल से आया मैं यहाँ तक, और अब वापस जो हॉस्टल जा रहा हूँ वो सब कुछ इंक्लूड है इसमें। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी है ना, चलो। हाँ जी गाइस, एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ होचीमिन सिटी के, ठीक है, तो अब टाइम है वियतनाम को बाय बाय करने का और अपने देश हिंदुस्तान वापस जाने का। ठीक है जी, तो जो कुछ था इस ट्रिप में वियतनाम में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, कुछ नया सीखने को मिला, और जो भी कुछ था वो सब कुछ मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की, और जितना कुछ मैंने देखा उससे उसी हिसाब से आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी की, और यहाँ के कल्चर को थोड़ा जाना, कुछ जैसे लोगों से मिला यहाँ पे, जो लोग समझ सकते थे इंग्लिश उनसे बात करके यहाँ के कल्चर को थोड़ा समझा, जाना कैसे क्या चलता है, यहाँ की करेंसी को समझा, तो यही सब चीज़ें रही हैं, बाकी सब कुछ आप लोगों ने अब तक की वीडियोज़ में देख ही लिया है। अब मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 2 बजे की, अभी 11:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं जाऊंगा चेक इन काउंटर पे, बोर्डिंग पास लूँगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्रॉस करके इमिग्रेशन के बाद जाऊंगा फ्लाइट में। ठीक है, और आज डे है 30th अगस्त, ठीक है, तो मैं 31 तारीख को अर्ली मॉर्निंग पहुंचूंगा दिल्ली। तो आई होप आपको ये वियतनाम की सीरीज़ पसंद आई होगी, अगर इस ट्रिप से रिलेटेड, वियतनाम के किसी भी एपिसोड से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको मुझे इस बारे में कुछ पता हो तो आप लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, इसी के साथ ही बाय बाय, वियतनाम की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है, एक और नए ट्रिप पर जाने की प्लानिंग है मेरी, तो मिलते हैं फिर दोबारा नए एपिसोड में, नए ट्रैवल सीरीज़ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।